मलिनी का बेटा जेल गया है, जितने भाई हैं सबका भाई जेल गया है, सब जितनी बहनें हैं उनका भाई जेल गया है। ये मलिनी के सम्मान की लड़ाई है, न्यायपालिका को सब लोग देख रहे हैं। न्यायपालिका किस तरह से उसने जजमेंट दिया है और चुनाव के एंड टाइम पे अभी आप क्या देख रहे हैं, आप ऐसे से सुनते रहेंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, थप्पड़ पड़ा, मगर भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि चुनाव सही कराओ भैया, चुनाव सही कराओ। शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया, शंकर सिंह को हम लोग नहीं जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि धनंजय सिंह के साथ जाएंगे या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या किसी अन्य दल के साथ जा रहे हैं इस बार? धनंजय सिंह के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? भारतीय बीजेपी के केंद्र और राज्य में सरकार है, क्यों बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं वो बताएं। जौनपुर का एक बार विकास उठा के देख लीजिए, मलिनी में जो विधानसभा मलिनी में आता है, मलिनी में जो विकास हुआ है 90% RCC सड़कें, जिला पंचायत अध्यक्ष है उनकी वाइफ श्री कला रेड्डी जी, उन्होंने बनवाया है, ये मोदी जी ने नहीं बनवाया है। धनंजय के कार्यकाल में जो विकास हो रहा है मलिनी का, सड़क बनवाएंगे वो, नल लगाएंगे वो, बिजली पानी सप्लाई देंगे धनंजय, तो वोट देने हम जाएंगे मोदी को, हमको कुत्ता काटा है। धनंजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर कैसे वोट करेंगे? नहीं वोट कर रहे हैं, वो जेल से इशारा कर देंगे उधर वोट पड़ जाएगा, जिधर इशारा कर देंगे उधर वोट पड़ जाएगा। अगर वो बोल देंगे तो भाजपा हरा दो, हरा दिया जाएगा, हरा देंगे। अगर वो कह देंगे भाजपा जीता दो, जीता दिया जाएगा, मगर उनकी बात सुनी जाएगी। यहाँ मोदी अमित शाह योगी का मामला नहीं है। एक रात से, बीती रात से पोस्टर वायरल हो रहा है, जनता करेगी फैसला, जनता आप ही हैं, जनता करेगी फैसला, मगर जो भैया कहेंगे वही होगा। मलिनी का बेटा जेल गया है, जितने भाई हैं सबका भाई जेल गया है, सब जितनी बहनें हैं उनका भाई जेल गया है। ये मलिनी के सम्मान की लड़ाई है, न्यायपालिका को सब लोग देख रहे हैं, न्यायपालिका किस तरह से उसने जजमेंट दिया है और चुनाव के एंड टाइम पे अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी केजरीवाल लालू भी अंदर जा सकते हैं, आप ऐसे से सुनते रहेंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, थप्पड़ पड़ा, मगर भूल गए, मतलब आज ये स्थिति आ गई है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि चुनाव सही कराओ भैया, चुनाव सही कराओ। काहे इसका मतलब आप चुनाव जीत नहीं पा रहे, जितने कांग्रेसी थे जो भ्रष्ट थे वो भाजपा में चले गए, इनके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, इधर से डाले उधर से निकाले, वो पवित्र हो गया। बीजेपी ने यहाँ कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया, कृपा शंकर सिंह को हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? शंकर एक दर्जनों लोगों की लंबी फेहरिस्त थी टिकट के लिए, यहाँ से कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बना दिया। कृपा शंकर से अच्छे प्रत्याशी तो ज्ञान प्रकाश सिंह थे, उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया? 10 करोड़ रुपया उनका डूब गया। अब शेख सिंह से IAS थे, कृपा शंकर कांग्रेस के नेता थे, कृपा शंकर भाजपा भूल जाती है, हम थोड़ी, हम जनता हम थोड़ी भूलेंगे। आप जिसको मन लगा के चुन दीजिए। अच्छा, धनंजय सिंह जिसके इशारा कर देंगे उसी की तरफ चले जाएंगे, उसी की तरफ इशारा, जिस तरह धनंजय भैया कहेंगे उधर वोट पड़ेगा। अब बाकी मलिनी में भाजपा को न मान के चलिए, 80 यहाँ नहीं पूरा होगा, 79 हो सकता है मगर 80 नहीं होगा। अरे धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया, फिर धनंजय सिंह ने जेल जाते वक्त कहा कि ये कोर्ट का फैसला, इस पे हमको कोई टिका टपटी नहीं करने, उसको किस तरीके? देखिए, जेल भेजना, मुकदमेबाजी करना, किस नेता के ऊपर जेल नहीं है, कौन नेता जेल नहीं गया, कौन नेता के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, आप बता दीजिए। योगी के आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, क्या उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हुए? राजा भैया के ऊपर मुकदमे नहीं है, अभय सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं है, विनीत नारायण सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं है। आज सपा में अभय है, अभी 20 दिन पहले बुराई चल रही थी, क्रॉस वोटिंग में वोट दे दिए भाजपा को, पवित्र हो गए। अच्छा, धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला धनंजय अगर इंडिपेंडेंट चुनाव में आती है, कितना क्या कुछ रहेगा? इंडिपेंडेंट चुनाव में आती है तो उम्मीद मान के चलिए कुछ चुनाव जीत जाएंगी, तो फिर टिकट के लिए क्यों प्रयासरत है? जब आप कह रहे हैं जीत जाएगी तो प्रयास की, कौन प्रयास कर रहा था? प्रयास अभी भी प्रयास किया जा रहा है, वो भाजपा डर गई, धनंजय सिंह भाजपा डर गई, इसीलिए तो उनको भीतर कर दिया गया। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते तो क्या जरूरत है सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बैनर तले टिकट के लिए प्रयासरत? कौन प्रयासरत था, कोई आप बताइए हमको। एक वीडियो वायरल हुआ था शिवपाल से मिलने का, आप न्योता खाने जाएंगे, कहीं मुलाकात हो जाएगी, इसका मतलब हम तो टिकट मांग रहे हैं? नहीं, शोर शराबा तो मतलब पूरी खाए तो पूरी खाए मऊ आई तो हमें टिकट मांगे लगे। ये मीडियाबाजी गलत है, टिकट नहीं मांग रहे थे, वो चुनाव लड़ते, उन्होंने इतना ही लिखा था ना।
जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। तैयार रहियो साथियों, ने पोस्ट किया था अखिलेश से मिलने के बाद कि तैयार रहियो साथियों, मिशन बस एक लक्ष्य 2024। अखिलेश से रात में मुलाकात हुई थी, पोस्ट शाम को आई थी, ठीक है, और उनका पोस्ट आया था शाम को आया था, तब जाके अखिलेश से न्यूनतम मुलाकात हुई थी। फिर एक पोस्ट आया जीतेगा जौनपुर जीतेगा, तो ये साइड जाहिर सी बात है। भैया बताइए, जो विकास करेगा वही ना जीतेगा, जो विकास करेगा वही जीतेगा। गरीबों के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है, तेल घी राशन चना दाल सब भिजवाते हैं, कोई आता है क्या यहाँ पे? कोई नहीं आता, सब बस वही जौनपुर। चलिए जौनपुर, बाहुबली है कि रॉबिन हुड? एक सवाल, बाहुबली है कि रॉबिन हुड? नहीं, रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड है।